कम जल्दी से पैसे नहीं निकलता, कैसे इंसान हो तुम? मिठाई की इतनी बड़ी दुकान है, कोई शर्म लिहाज साहब की चीज नहीं है क्या? बोल रहे हैं चौबे भैया, हमने तो पूरे 110 रुपए दिए हैं। What?
समानता होनी चाहिए दोनों की एज में। सर एक तो आज यहाँ पे कौन सा सीन चल रहा है पहले तो ये बताइए। अरे सीन क्या चल रहा है, अपनी वाइफ के लिए हस्बैंड ढूंढ रहा हूँ। नहीं अजीब सी सिचुएशन, मतलब हंसी भी आ रही है रोना भी आ रहा है कि पत्नी के लिए पति ढूंढ रहा हूँ। क्यों ये तो सीरियल देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं हर किसी पे नज़र डाल के सोच रहा हूँ कि ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा। सो इट्स वेरी ह्यूमरस एंड वेरी कॉमिक सीन है थोड़े से ये, जिसमें ये आदमी को पता है कि मैं मरने वाला हूँ। अब मरने वाला हूँ तो मेरे मरने से पहले 2 महीने हैं मेरे पास, इसमें क्या क्या कर सकता हूँ मैं। तो जितनी बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, पिताजी के लिए जितनी सुविधाएं हों, और एक मतलब एक पति मिल जाए नौकरी वाला, ताकि मेरा घर जो है पूरा सेफ हो जाए, इस कोशिश में लगा हूं और वही कर रहा हूं। सर जब आप ऑफिस से आ रहे थे और ऑफिस के अंदर भी एक अजीब सी टेंशन में दिखे आप, तो उस टेंशन का कारण क्या है? नहीं टेंशन यही है कि मैं मरने वाला हूँ। अब शिवाय ने बोला है कि हंसते हंसते गुजारो जितनी जिंदगी बची है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर तो है मिडिल क्लास आदमी की इनसिक्योरिटी जो होती है कि बच्चे हैं, बीवी हैं, पिताजी हैं, परिवार है, इन कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, और उसके बाद मैं मर जाऊँ, अपनी भी तो जान प्यारी है, मतलब ऐसा कैसे अचानक हो गया। तो रोना भी आ रहा है, लेकिन सिचुएशन सारी कॉमिक है, हंसी आ रही है। सो ये दोनों चीज़ें हैं और बहुत ही चैलेंजिंग लग रहा है मुझे करने में, मतलब मज़ा आ रहा है। सर शिवाय तो आपके मतलब कह सकते हैं कि दोस्त हैं जी, या दिल के करीब हैं, सिर्फ आप ही को दिखते हैं, तो वो इस सिचुएशन में आपकी मदद नहीं कर सकते? देखिए शिवाय कभी भी मदद करते हैं, लेकिन वो कभी भी एक रास्ता नहीं बताते कि ये करो, वो हमेशा आपको बताते हैं कि तेरे सामने ये 2 रास्ते हैं, तो वो दोनों रास्ते मतलब मैं क्या अपनाऊँ क्या नहीं। और कहीं ना कहीं ये माया उसी की है, शिवाय की ही तो है ये माया, भगवान की माया है जो हो रहा है। कि मैं जो मेरी जो रिपोर्ट आई है जिसमें लंग कैंसर है और जो लास्ट स्टेज है, तो वो भी भगवान की माया है। वो अंत में होता क्या है वो देखिए, फिर पता चलेगा, मैं खोलूंगा नहीं उसका रहस्य क्या है। तो सर अभी घर पे पता चला, आपकी बीवी को पता चला? नहीं क्लाइमैक्स में पता चलेगा सबको, मैंने किसी को नहीं बताया अभी तक। तो ये आपकी उदासी का कारण यही है? अब मेरी उदासी का कारण यही है कि मैं मरने वाला हूँ और मेरी पत्नी के लिए कोई ढंग का पति नहीं मिल रहा है। और आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट भगवान दास चौबे, कुत्ते वाली गली, कानपुर, एक्स पति यानी भूतपूर्व पति ऑफ बॉबी। थैंक यू।